तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त वगैरह ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। तो आज की छोटी सी व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आप पीछे हम आपको दिखाएंगे सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसका पानी वगैरह चेक करवाएंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बरआसानी से पहुँच सके। तो दिखाते हैं अब सारा, कितने वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं, पानी चेक करवाते हैं और आपको प्लेटें वगैरह भी चेक करवाते हैं कितने कितने वोल्टेज की लगी हुई हैं। सबसे पहले आप पानी चेक करें ट्यूबवेल का, पानी कम हो गया। इस टाइम तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 4 बज चुके हैं, तो सूरज ग्लूब हो रहा है। मोटर चेक करें आप, काफ़ी स्लो चल रही है। इस टाइम वोल्टेज आप देखें आ रहे हैं तकरीबन 44 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये बनाई उन्होंने ट्राली, ट्रैक्टर के पीछे डाल के कहीं भी हम ले जा सकते हैं। फ्रंट से आपको दिखाते हैं, काफ़ी बड़ी ट्राली, ये क्लोज हो जाती है, ओपन भी हो जाती है। क्लोज करके ट्रैक्टर खड़ा है उधर, उसके पीछे डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। तकरीबन इनकी 2 मोटरें लगी हुई हैं। ये है जी 350 वोल्टेज की प्लेट है एक। तो ट्राली आपको दिखाते हैं, डबल टायर लगे हुए दोनों तरफ, तो काफ़ी मजबूत बन। और ये इसकी हुक है जहाँ पे ट्रैक्टर को डालते हैं, तो कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके पैर वगैरह काफ़ी मजबूत लगे हुए हैं, काफ़ी मजबूत प्लेट है इसके एंगल वगैरह। अभी सूरज ग्रूब हो रहा है, इस वजह से पानी बहुत कम है। काफ़ी मजबूत स्टैंड बना हुआ है, काफ़ी चौड़ाई इसकी, स्टैंड की लंबाई भी काफ़ी है। जब इसे क्लोज करते हैं तो वेटर भी काफ़ी बड़ा है। तरतालीस तकरीबन इतने वोल्टेज आ रहे हैं इसके। मोटर देख लें आप, कमरे के अंदर फीटर भी पड़ा हुआ है। अगर बादल वगैरह हो, जिस दिन सूरज ना निकले उस दिन फीटर के चला के वो इस्तेमाल कर लेते हैं साथ। इसका बहुत फ़ायदा है, पहले डीजल का बहुत खर्च होता था, अब साइंसदान ने ये निकाल दिया। तारे वगैरह काफ़ी हैं इधर, पहले छोटी छोटी 150-200 वाट की प्लेट आती थी, अब वो आती नहीं है। अब 600-700 बड़ी बड़ी प्लेटें आ रही हैं। ये 40 लगी हुई हैं, अब 26 पे भी ट्यूबवेल लग रहा है, 36 पे भी लग रहा है। छोटा ट्यूबवेल 26 पे लग रहा है, बड़ा 36 पे लग रहा है। ये 40 लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक बार आपको दूर से दिखा देते हैं स्टैंड, काफ़ी बड़ा स्टैंड है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब चलाने लगे हैं मैसिव 200 इकट्ठे होकर ट्यूबवेल। आपको दिखाते हैं इसका पानी कैसा है। सोलर का पानी तो कम था, इसका पानी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी धूप नहीं थी ना इतनी। शाफर डालने लगे हैं, ट्रैक्टर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में, 18 मॉडल ट्रैक्टर है। ट्यूबवेल है जी 8 इंच की नाल है, ट्यूबवेल की 8 इंच की बहुत बड़ी नाल है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी लाइन सीधी करके लगानी पड़ती है वरना शाफर टूट भी सकती है। अच्छा, करने लगे
पानी चेक करें, बहुत ज़्यादा पानी की रफ्तार चेक करें। बहुत ज़्यादा पानी, इन्होंने वो शाफट के पीछे वेट लगाया हुआ बटे को, बटा वेट के ऊपर इन्होंने चढ़ाया, तो वेट है 400 काफ़ी बदनी वेट होता है। डैट की कंडीशन देखी शाफट बिल्कुल आराम आराम से चल रही है, आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा गंदे को पानी बनाने लगे। थिएटर का साउंड कितना प्यारा है, 260 का साउंड सबसे अलग, एक बम्पर बहुत भारी लगा हुआ है, काफ़ी भारी बम्पर। पानी की रफ्तार चेक करें, पानी देखें कितना ज़्यादा है, काफ़ी पानी 6 का तकरीबन बोर लगता है, ये 8 का हुआ। टेंडर की कंडीशन देखें, 10/10 कंडीशन है, संभाल कर रखा है, 14% एयर भी है, ट्रैक्टर का पता ही है, ट्यूबवेल चल रहा है इसके ऊपर। पानी देखें बहुत ज़्यादा पानी, सोलर से ज़्यादा पानी है, क्योंकि सोलर का वो कम था, धूप नहीं थी इतनी, ये सोलर का पानी भी काफ़ी था, 4 बज गए, इसलिए सोलर का पानी कम था, इसका पानी बहुत ज़्यादा।